नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की। 24 फरवरी 2022 वो तारीख जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलाने जंग किया। जब जंग शुरू हुई तो यूक्रेन के पास सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक थे, उनका हौसला और हथियार बहुत कम था। वक्त गुजरता चला गया, जंग और घातक होती चली गई। यूक्रेन के सैनिकों का हौसला भी उसी रफ्तार के साथ बढ़ता चला गया। जरूरत हथियारों की थी जो अमेरिका से लेकर तमाम नाटो मुल्क उन्हें मुहैया करवाते रहे। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को जो जंग छिड़ी वो 116 दिन के बाद भी जारी है। दोनों तरफ से बारूद बरस रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाज से पूरा यूक्रेन थर्रा रहा है। लेकिन 116 दिन की यह अदावत न तो थम रही है और न ही खत्म होने का नाम ले रही है। 116 दिन से न तो रूस रुका है और न ही यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की का हौसला झुका है। जहां यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन की सेना ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जंग के 3 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद अब यूक्रेन के पास हथियारों की कमी जरूर हुई, लेकिन अमेरिका समेत नाटो मुल्क एक बार फिर इस कमी को पूरा करने में जुट गए हैं। बहुत जल्द यूक्रेन को वो मदद मिलने वाली है जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पेशानी पर बल डाल देगी, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को वो खतरनाक हथियार देने वाला है जिसे यूक्रेन रूस से युद्ध के मैदान में गेम चेंजर मानता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को 4 और M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमर्स देने वाला है, यानी वो खतरनाक हथियार जिसने जंग के मैदान में रूस की सेना की धज्जियां उड़ाई। वो एक बार फिर यूक्रेन की मदद को तैयार है। हिमारस एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिससे एक वक्त में एक साथ कई मिसाइल दागे जा सकते हैं। अमेरिका के सैलान से पुतिन के माथे पर क्यों पसीना आने लगा है, जरा उसको भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका का ये रॉकेट सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर तक एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है। यूक्रेन की ओर से युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे सभी हथियारों की तुलना में हिमारस की मारक क्षमता सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि हल्का होने की वजह से इसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। हिमारस के हर यूनिट में 6 GPS गाइडेड रॉकेट लोड हो सकते हैं, जिसे रीलोड करने में करीब 1 मिनट का समय लगता है। यही वजह है कि यूक्रेन इन हथियारों को गेम चेंजर कह रहा है। दरअसल माइकोलाइव के गवर्नर ने हाल ही में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की कमी का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को रूस से लड़ाई लड़ने के लिए और आधुनिक हथियारों की जरूरत है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 अरब यानी 750 करोड़ रुपए मदद देने का ऐलान किया। फिलहाल सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे नाटो मुल्क भी लगातार यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और मैदानी जंग में उसको सैन्य मदद दे रहे हैं। हाल ही में जर्मनी ने भी यूक्रेन को और होवित्ज़र तोप देने का ऐलान किया है, यानी यूक्रेन की ओर से जल्द ही जर्मनी की होवित्ज़र तोपें भी आग उगलती दिखाई देने वाली हैं।
यूक्रेन में जर्मनी की राजनयिक एनका फेल्डह्यूजर ने कहा है कि जल्द ही जर्मनी और होवित्जर तोप यूक्रेन को देने वाला है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप और नाटो से मिल रही इस मदद के लिए पहले ही आभार जता चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मदद की रफ्तार तेज की जानी चाहिए। मतलब ये कि ना तो रूस रुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने को। एक तरफ यूक्रेन है जिसके हाथों में पश्चिम के दिए हथियार हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस है जिसके गद्दी पर पुतिन बैठे हैं, जो जंग में जीत हासिल करने की कसम खा चुके हैं। ऐसे में दोनों देशों के दरमियान ये महायुद्ध कब थमेगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चौबीस फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग ऐलान किया, लेकिन लगभग 116 दिनों बाद भी न तो रूस रुका है और ना ही यूक्रेन झुका है। जब जंग छिड़ी थी तो हर कोई ये मान रहा था कि यूक्रेन रूस के आगे टिक नहीं पाएगा, लेकिन 116 दिन गुजर चुके हैं और 116 दिन बाद भी यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके। वो लगातार रूस का मुकाबला कर रहा है और दुनिया के लगभग तमाम मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का सिलसिला न तो रुका है और न थमा है। तोपों से गोले बरस रहे हैं, यूक्रेन के शहर तबाह होते जा रहे हैं और 116 दिन के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। चौबीस फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और दावा किया था कि 72 घंटे में कीव पर कब्जा कर लिया जाएगा। मनोयु принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные. लेकिन 72 घंटे तो छोड़िए, 116 दिन पूरे हो चुके हैं और जंग के मैदान में जीत पुतिन को अब तक नसीब नहीं हुई है। जाहिर है पुतिन का दावा महज हवा हवाई साबित हुआ, यानी उस यूक्रेन को जिसे मैदान जंग में कमजोर खिलाड़ी माना जा रहा था, वो लगातार 116 दिन से पुतिन के विशाल सेना के आगे डटा हुआ है। बेशक यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की का हौसला और जज्बा इसकी एक बड़ी वजह है, लेकिन जंग के इस दौर में जिस तरह से यूक्रेन को दुनिया भर के तमाम मुल्कों का साथ और मदद मिली है, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तक आज यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इस जंग में हर तरह की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की और बोरिस जॉनसन कीव की सड़कों पर घूमे, वहां मौजूद सैनिकों से बात की। I'm Boris Johnson from London, and I just want you to know that we support you. Slava Ukraini. उन रूसी हथियारों का भी मुआयना किया जिनको यूक्रेन के सैनिकों ने तबाह कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने इस जंग में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी और जल्द से जल्द युद्ध रुकने की कामना की।
जंग के दौरान ये दूसरा मौका है जब ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के हालात का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया है। और एक बार फिर न सिर्फ जॉनसन ने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया बल्कि हौसला भी बढ़ाया। Just to say how strongly we support Ukraine and the people of Ukraine, and I want to say thank you to you, your incredible resistance. Thank you very much. Дякую, everybody. Thank you. हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, इतालवी पीएम मारियो द्राघी और रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस इवोहानिस के साथ यूक्रेन के इरपिन और की पहुंचे थे, लोगों से बात की थी और यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। फिलहाल पूरी दुनिया के निगाह इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर टिकी हुई है। यूक्रेन पर तीन गुना ज्यादा आबादी वाले परमाणु हथियारों से लैस रूसी सेना के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। रूसी फौज मिसाइल और बारूदी हमलों के जरिए यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही है। 24 फरवरी को जब रूस ने हमले की शुरुआत की तब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। तमाम शहरों को रौंदती हुई रूसी सेना तेजी से राजधानी कीव की ओर बढ़ रही थी। तब ये माना जा रहा था कि बस कुछ घंटों में रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगी और इस युद्ध में फतह रूस की होगी, लेकिन ये सारे कयास और आशंकाएं झूठी साबित हुई। एक तरफ यूक्रेन मैदानी जंग में डटा रहा, उस पर अमेरिका और नाटो देशों की मदद ने पुतिन की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। जाहिर है युद्ध से पहले पुतिन ये अंदाजा लगाने में नाकाम रहे कि यूक्रेन की मदद के लिए ये देश आगे आएंगे। फिलहाल यूक्रेन की ये जंग पुतिन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। देखना होगा कि पुतिन यूक्रेन के रण पर कौन सी रणनीति बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 महीने होने वाले हैं। 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और पिछले 4 महीनों से यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि यूक्रेन को फिर से पहला जैसा बनाने के लिए 600 अरब डॉलर यानी कि लगभग 46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। एक तरफ जहां पर यूक्रेन बर्बाद हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर अभी भी रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के 116 दिन गुजर चुके हैं। जिस जंग की शुरुआत के साथ ये माना जा रहा था कि चंद दिनों में ही रूस यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगा, वो लड़ाई अब करीब 4 महीने लंबी खिंच चुकी है। यूक्रेन में जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। यूक्रेन के लोग एक बार फिर से नई जिंदगी की तलाश में हैं। उजड़ चुके आशियाने को फिर से संवारने की कोशिश हो रही है, वहीं इस तरीके की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं और शायद इनके दिल में भी यही सवाल होगा कि आखिर इस जंग की जरूरत क्या थी। नम आंखों से अपनों को याद करते इन आम लोगों की तस्वीरें न जाने कितने सवाल खड़े कर रही है। इस जंग से न तो रूस अभी तक कुछ बड़ा हासिल कर पाया है और न ही यूक्रेन नाटो का सदस्य बन पाया। ऐसे में इस तबाही को रोका जा सकता था जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं कर पाई, और इन सब की कीमत अगर किसी ने सबसे ज्यादा चुकाई है तो वो है यूक्रेन के ये आम लोग। चारों ओर जली हुई गाड़ियां, सड़कों पर पूरी तरह जल चुके टैंक, मलबे में तब्दील इमारतें, टूटी फूटी सड़कें, डरे सहमे लोग, कभी मिसाइल तो कभी गोलियों की गड़गड़ाहट, ये मंजर है यूक्रेन का। पूर्वी यूरोप का 4.5 करोड़ आबादी वाला यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 4 महीने पहले तक जो यूक्रेन कभी हरा भरा नजर आता था अब वो किसी पुरानी फिल्म की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है, और जंग की नियति ने यूक्रेन की यही
नई पहचान बना दी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग की शुरुआत के बाद पहली बार देश के दक्षिणी शहर माइकोलाइव का दौरा किया। ये शहर रूसी हमले में बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने यहाँ स्थानीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की और सैनिकों को बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने शहर में वाटर सप्लाई के साथ खेती और इकोनॉमी के हालात पर चर्चा की। माइकोलाइव शहर के दौरे पर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में तबाह इमारतों का मुआयना भी किया। उनका ये दौरा शहर पर हुए रूसी हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। 24 फरवरी को हुए रूसी मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत से ही माइकोलाइव पर लगातार हमले हुए हैं। इस शहर ने रूस के प्रतिरोध का सबसे ज्यादा सामना किया, जिसकी गवाही यहाँ के खंडहर हो चुकी इमारतें दे रही हैं। दरअसल माइकोलाइव दक्षिणी यूक्रेन में रूसी हमलों को रोकता रहा है, क्योंकि ये ओडेशा शहर के रणनीतिक तौर पर अहम ब्लैक सी पोर्ट के रास्ते में मौजूद है। ये शहर खेरसोन के उत्तर पश्चिम में करीब 100 किलोमीटर दूर है। दूसरी तरफ यूक्रेन के पूर्वी शहर डोनेस्क में रूस की ताजा बमबारी में 5 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई और 12 लोग जख्मी हो गए। डोनेस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके की राजधानी है। ये इलाका 2014 से आंशिक रूप से रूसी समर्थक अलगाववादियों के कब्जे में है। यूक्रेन के लुहांस्क के गवर्नर के बयान के मुताबिक रूस पूर्वी शहर सेवेरोडोनेस्क पर पूरे कब्जे के लिए जंग के दूसरे इलाकों से बड़ी तादाद में रिजर्व सैनिकों को भेज रहा है। लुहांस्क के क्षेत्रीय गवर्नर सेरही गदाई ने नेशनल टेलीविजन पर कहा कि अगले एक दो दिन में रूस यहां पूरी क्षमता झोंक देगा। बता दें कि रूसी सेना पहले ही इस शहर के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। अब रूस पूरे शहर पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है। ऐसे में अंदेशा है कि इस इलाके में रूस की तरफ से भयंकर बमबारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।